मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। 32 साल के बाद छपरा कोर्ट ने न्याय दिया पीड़ित को। हत्या के मामले में नामजद व्यक्ति 32 साल तक रसूख के बल पर अपने आप को बचाए हुए थे, लेकिन अंततः उसे उम्र कैद की सजा मिली। यह घटना छपरा जिला के मांझी प्रखंड में बूथ लूटने के क्रम में हुई उमा बिंद की हत्या के मामले में अभियुक्त बने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र, जिन्हें 32 साल के बाद उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाया। कहा जाता है कि 27 फरवरी 1990 को विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन मांझी प्रखंड के डुमरी गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 175-76 पर बूथ लूटने की मंशा से जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में चांद दियर गांव के वोटर उमा बीन की गोली लगने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने पूर्व मंत्री मामले में दोषी पूर्व मंत्री को पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी, 40,000 का जुर्माना भी किया। 32 साल तक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते रहे, केस चलता रहा। रसूखदार पूर्व मंत्री के रसूख के कारण गवाह गवाही नहीं दे रहे थे। अंततः गवाहों की गवाही होती है। छपरा के एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे तृतीय नलिन कुमार पांडे ने सजा सुना दी। रविंद्रनाथ मिश्र के भाई हरिंदर मिश्र को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया और रविंद्रनाथ मिश्र को उम्र कैद की सजा मिल गई। इस सजा प्राप्त पूर्व मंत्री को हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया गया। देर हो सवेर हो, कहीं न्याय मिले न मिले, अगर घटना सत्य है तो कोर्ट, जिस पर लोगों को आज भी भरोसा और उम्मीद है कि कहीं नहीं तो न्यायपालिका में न्याय अवश्य मिलेगा, और यह उदाहरण है कि न्याय न्यायपालिका में अवश्य मिलता है, बशर्ते घटना सही हो, गवाहों की गवाही हो, पीड़ित परिवार अपने न्याय की गुहार को लगातार लगाता रहे। तो यह बड़ी घटना थी। छपरा के कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्रनाथ मिश्र को 32 साल के बाद उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाया। यह नेताओं और आम लोगों के लिए सीख की बात है कि रोक सको तो रोक लो, अंततः अंजाम बुरा होना ही होना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।